ओबी का एग्जाम थोड़ा थोड़ा ह्यूमन साइंस का एग्जाम जैसा ही है. हम परसेप्शंस पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन पार, कन्फ्लिक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं. तो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन थोड़ी सी बोरिंग भी है. पर क्या कर सकते हैं, एग्जाम है तो पढ़ना तो पड़ेगा. मैं रेडी हो गया हूँ, कुछ देर में बस होगी तो मुझे निकलना पड़ेगा. आज मुझे ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ेगा. प्रेसिडेंट साहब, दो दो फोन से पढ़ रहे हो आप तो. यहाँ तो एक से नहीं हो रही, आप दो दो से पढ़ रहे हो. कैसी प्रिपरेशन है गाइस? बहुत बढ़िया, टॉप करेंगे इस बार. ये लास्ट टाइम भी जो प्रिपरेशन होती वही याद आती है. ये लोग आप मुझे ब्लॉगर के नाम से बुला रहे हैं. ये तानिया है, ये हिरोक है. कैसे एग्जाम की, कैसी प्रिपरेशन एग्जाम की? बस चल रही है, अभी भी चली रही है. एग्जाम एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगी ना. पर ये आखिरी है ना, फिर इसके बाद तो वो भी खत्म. हाँ तो एग्जाम बचे. हाउ वाज द एग्जाम विकास? गुड ब्रो. सही में अच्छा था? मजाक कर रहा है? नो नो, आई एम नॉट जोकिंग ब्रो. अच्छा क्या? चल बढ़िया. क्या सागर एग्जाम? अरे बढ़िया गया. अरे सही बता यार, बढ़िया. तो मुंह क्यों छुपा रहा है? फाड़ दिया ना, फाड़ दिया. एसवीएच भी छुपा रहा है ये मेरे ब्लॉग में एंट्री कर रहे हैं. हाँ, ये मेरे बगल में बैठता है भाई, जल्दी लिख कैसे लेता तू ये बता ना मुझे. अबे आता नहीं है तो जल्दी लिखूंगा. अबे आता नहीं तो ज्यादा दिमाग लगता है सोचने में यार, क्योंकि हर क्वेश्चन डराता है. सही बोला. अमित को देखो, कुछ नहीं लिखता. ओ मास्क लगा के आता उल्टा. और कैसे कैसे गया? कैसा गया? मस्त हुआ. कैसे मस्त हुआ? पास हो जाएगी? नीचे से पास होंगे. नीचे से? तो फाइनली एग्जाम देने के बाद हम सब आ गए हैं. मैंने कुछ रिस्पॉन्सेस लिए लोगों के कि एग्जाम कैसा गया है, तो वो काफी मिक्स्ड रिएक्शन है सबके. कोई लोग बोल रहे हैं अच्छा गया है, कोई लोग बोल रहे हैं कि ठीक ही गया. काफी लंबा पेपर होता है ये. अभी हमारा जो एंटम है वो 100 मार्क्स का है, जिसके लिए 3 घंटे पेपर देने पड़ते हैं, तो काफी लेंदी होता है. आज का जो ओबी का एग्जाम था वो काइंड ऑफ मॉरल साइंस लगता था. लग रहा था मॉरल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो वैसा फील हो रहा था. पर स्टिल अच्छा गया है. सुबह मैंने रिवाइज कर लिया था, वो काफ़ी हेल्प किया मुझे. सुबह थोड़ा लेट हो गया था तो इसके चलते मैं बेड बना नहीं पाया था. एग्जाम के बाद मैं सीधे अपने रूम पे आ गया. मिस जो है हमारा, वहाँ से मैं लंच लेके मुझे लगा कि मैं अपने रूम पे बैठ के आराम से खाऊंगा. तो आज क्या क्या देखते हैं. आज दाल है, राइस है, चपाती है, और ये मेरे ख्याल से कुछ मीठा होगा, कुछ खीर वगैरह होगी. ये आलू की सब्ज़ी है, शायद पत्ता गोभी या समथिंग कुछ उसमें मिक्स है. ये भी कोई ग्रेवी की सब्ज़ी लग रही है. और थोड़ा सा राइस है. राइस मैं थोड़ा कम ही खाता हूँ क्योंकि काफ़ी जल्दी वेट गेन करता हूँ मैं, तो इसलिए राइस काफ़ी कम रखा है मैंने. ओबी के एग्जाम के बाद 2 एग्जाम्स और बचे हैं, जिसमें से एक मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, जो कि बिजनेस लॉ का है, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्स और फिगर एग्जैक्ट वैसे लिखने होते हैं, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है. एंड दूसरा है डिज़ाइन थिंकिंग का. डिज़ाइन थिंकिंग एक बुक पे बेस्ड है. डिज़ाइन थिंकिंग जो पवन सोनी सर ने लिखी है, वो हमारे कॉलेज में भी आते हैं. तो उस बुक के ऊपर हमें क्वेश्चन पेपर आएगा और हमें उसे सॉल्व करना है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. पर बुक काफ़ी लेंदी है, तो देखते हैं पता नहीं कैसे होगा वो. हालांकि वो सबसे लास्ट एग्जाम है तो काफ़ी टाइम है उसमें. अगला एग्जाम 2 दिन बाद है, लेकिन एक चीज़ की डेडलाइन और आ गई है. रिसेंटली मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जो आई एम इंदौर ने होस्ट किया है, तो वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट केस स्टडी के ऊपर है. तो उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हमें प्रिपेयर करके आई एम इंदौर को भेजना पड़ेगा. इसमें हमें एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना के आई एम इंदौर को भेजना पड़ेगा. इसमें मैंने अपनी एक दोस्त जो कि ग्रेट लेक्स गुड़गांव में है, यशी जैन, उसके साथ पार्टिसिपेट किया है. तो सिचुएशन ये दी गई है कि मैं मैनेजर हूँ सूरत शार्क्स नाम की टीम का, जो कि इंडियन बास्केटबॉल लीग में एक टीम है बाकी 20 टीमों के साथ. ये जो टीम है इसको ओन करते हैं मिस्टर जयप्रकाश, जो कि चेयरमैन है द लेगेसी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के. और ये जो फाउंडेशन है वो अलग स्टेक्स रखता है बहुत सारे गेम्स में, जैसे क्रिकेट हो गया, फॉर्मूला 1 हो गया और बास्केटबॉल हो गया. तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में फाउंडेशन का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन बास्केटबॉल में वो पिछले 7 साल से लगातार 5 साल फाइनल में आते हैं, लेकिन वो फाइनल जीतते नहीं है. ये थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, मुझे लग रहा है आरसीबी की केस स्टडी दे दी. और वो भी टीम 5 बार फाइनल में तब आई थी जब उनके साथ लेजेंडरी कोच मिस्टर राहुल शास्त्री थे, अब उन्होंने भी छोड़ दिया है.
तो राहुल शास्त्री के छोड़ने के बाद एक और प्लेयर जो कि केस स्टडी में मेंशन है, जिसने ज्वाइन किया, उसका नाम है विराट शर्मा। उसके ज्वाइन करने के बाद टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो गया था, पर वो भी काफी अकेला पड़ गया था उस टीम पे। वो अकेले परफॉर्म करता था, बाकी टीम मेंबर से उसे हेल्प नहीं मिलती थी, इसके वजह से उसने भी वो टीम छोड़ दी है। उस प्लेयर की वजह से टीम का नेटवर्थ काफी बढ़ गया था, डबल हो गया था। तो क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो मिस्टर जयप्रकाश जो कि ओनर है फाउंडेशन के, उन्होंने काफी बड़ा अमाउंट स्पेंड करने का सोचा है टीम के ऊपर। या तो वो टीम रीस्ट्रक्चर करेंगे या फिर कोई बड़े नए प्लेयर को टीम में एंट्री करवाएंगे। तो सॉल्यूशन में हमें दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, या तो आप लिस्ट ए प्लेयर्स, कोई बड़े प्लेयर को अपनी टीम में ले लें। तो कुछ प्लेयर्स के नाम मेंशन है, जैसे कोबी ब्रायंट, शकील ओनील, ये सारे प्लेयर्स के नाम मेंशन है, इनके साथ कुछ सैलरी इनकी दी गई है। फिलहाल दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप नए प्लेयर्स लाके, कोई बड़े प्लेयर्स लाके टीम का जो रेपुटेशन है वो ऊपर लेके जाएं, या फिर एक नई छोटी स्मॉल टीम है वो बना लें, जिसमें सारे फेसेस नए होंगे जो कि ज्यादा रेनाउंड नहीं होंगे। तो पहले जो प्लेयर्स हैं जिनका नाम दिया गया है जो कि काफी फेमस है, जैसे कोबी ब्रायंट, शकील ओनील, उनकी सैलरी 35 मिलियन एंड शकील ओनील की 25 मिलियन, देन माइकल जॉर्डन 20 मिलियन, ये सारी सैलरी दी गई है कि ये सैलरी में ये एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। कंपनी का बजट 45 मिलियन है। तो फाइनली क्वेश्चन ये है कि एज अ मैनेजर आप ये दोनों प्लान्स में से कौन सा प्लान चूज करते हैं। पहला प्लान ये है कि आप कोई बड़ा चेहरा ले लें अपनी टीम में, जो कि माइकल जॉर्डन हो सकता है, शकील ओनील हो सकता है, या फिर स्टीफन करी हो सकता है, इनके सैलरी भी 30-35 मिलियन के बीच है, तो ये आप कर सकते हैं। या फिर दूसरी चीज, आप एक नई टीम बनाएं जिसमें सारे लोग नए होंगे, जिसमें कोई बंदा फेमस नहीं होगा, उसे ले लें, जिससे कॉस्ट उतना होगा नहीं। पर प्रॉब्लम उसमें ये है कि हो सकता है उससे कंपनी, उससे टीम का इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग ना हो, तो उससे ये हो सकता है कि टीम की रेपुटेशन उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगी अगर आप नए चेहरे ले लोगे। तो वहीं आप एक जाना माना चेहरा ले लोगे अपनी टीम में, जो कि माइकल जॉर्डन हो सकता है, ये तो उससे आपकी टीम की नेटवर्क भी बढ़ेगी, आपकी टीम को वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। तो ये दो ऑप्शन है। अगर आप कोई भी प्लान डिवाइस करते हो तो आपको ये स्ट्रैटेजी जो है अपनी बतानी पड़ेगी कि आपने ये क्यों चूज किया, उसके रीजंस देने पड़ेंगे, और यही सारी चीजें इस असाइनमेंट में, इस कॉम्पिटिशन में करना है। अगर आपको ये केस स्टडी समझ में आई तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप पहला प्लान या फिर दूसरे प्लान में से कौन सा चूज करोगे, और छोटा सा एक रीजन दे सकते हो क्यों दूसरा प्लान यूज करना आपको, या क्यों पहला प्लान यूज करना है, तो जरूर बताइएगा। अभी थोड़ी देर में मैं यशी से बात करूंगा, जो कि मेरी फ्रेंड है, जो मेरे साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट की है। वीडियो कॉल पे हम डिस्कस करेंगे जो उसने पॉइंटर्स बनाए हैं, कि जो वर्ड में इंक्लूडेड, जो वर्ड डॉक्यूमेंट हम भेजेंगे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, वो पॉइंटर्स वो डिस्कस करेगी। मैं मेरे जो पॉइंटर्स हैं मैं डिस्कस करूंगा, और मैंने, मेरा दोस्त है जो बास्केटबॉल प्लेयर है, जो नेशनल खेल चुका है, मैंने उसे भी वो केस स्टडी भेजी है। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर। सारे प्लेयर्स जो मेंशन किए हैं, जैसे लेब्रॉन जेम्स, स्टीफन करी, शकील ओनील, सो ये सारे प्लेयर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में खेलते हैं कोर्ट के। कोई फॉरवर्ड खेलता है, कोई डिफेंस खेलता है, कोई मिड खेलता है, तो इस चीज का भी काफी बड़ा रोल है ये डिसाइड करने में कि हम किसे अपनी टीम में लेंगे अगर हम प्लान वन डिवाइस करते हैं। तो अगर सेकंड प्लान डिवाइस करते हैं देन बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होने वाला है। एक और चीज थी कि जो हमारा कोच दिया हुआ था फर्स्ट, जिससे कंसिस्टेंसी बनी हुई थी टीम की, तो हम कोच को भी फोकस कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत ही आइडियाज है मेरे कि हम इसको बना के एक फाइनल प्लान बना सकते हैं। सोशल मीडिया का यहाँ पे पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं कि जिसके फॉलोअर ज्यादा हैं तो वो एक रीच मिलेगी, तो हम फिर ज्यादा हमें हो सकता है उससे यू नो वी गेट मनी आउट ऑफ दैट। अगर अगर जो स्पोर्ट पर्सनालिटी अगर वो फेमस है तो उससे पैसे भी आएंगे टीम को, और मेरे ख्याल से जो बाकी टीम प्लेयर्स होंगे वो भी ग्रूम्ड होंगे। काम बहुत सारे पेंडिंग है पर फिर भी खेलने जा रहा हूँ क्योंकि खेलना इंपॉर्टेंट है, वरना दिमाग नहीं चलता है। हालांकि थोड़ी बारिश हो रखी है तो कोर्ट हो सकता है गीले हो, पर फिर भी लेट्स सी कि कितना गीला है और खेल सकते हैं कि नहीं। फॉर्चुनेटली कोर्ट ड्राई है, बारिश हुई थी लेकिन फिर भी ड्राई है, पर बहुत ज़्यादा विंड है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में। मैंने एक दो मैच खेला उसके बाद फिर मैं निकल गया हूँ। आज प्रियांश जी की थोड़ी तबीयत खराब है, क्या हो गया प्रियांश जी? उल्टी आ रही है। तुम बाहर का खाना खाती हो जिसकी वजह से उल्टी होती है, बाहर खाना कम कर दो। और अभी भी इस लड़की ने बाहर से पाव भाजी बुलवाई है और इसको दो बार वॉमिटिंग हुई है। रात का खाना और भी अमेजिंग है, ये पराठे हैं गरम गरम, काफी गरम है, ये बैगन का भरता है,
ये राजमा मिक्स दाल है और ये थोड़ा सा राइस लिया है मैंने। पराठे बहुत अच्छे बने, यूजुअली इतने अच्छे पराठे नहीं बनते हमारे मेस में, पर आज पराठा बहुत अच्छा बना है। फाइनली ये 8-pin हेडफोन जैक आ गया है। ये मुझे माइक में लगाना था क्योंकि मेरा आईफोन है तो आईफोन से वो जैक सेम नहीं होता, तो इसके लिए बुलवाया था मैंने, तो फाइनली आ गया। अब इसे लगाता हूँ मैं। ये मुझे करीब 278 rupees का पड़ा। आई डोंट नो ये नॉर्मली स्टोर्स पे कितने का आता है, पर मेड इन चाइना है ये। ये ओरिजिनल आईफोन का एप्पल का तो नहीं है, लेकिन इससे काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये रही अगले व्लॉग में। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब।